में जो राजनीति चल रही है आप वहीं से होकर रहे हैं, वहाँ के हालात क्या है? पूरा आप निकाय चुनाव की बात करें, पूरे भारत के अंदर प्रतिपक्ष जो है कांग्रेस है वो तो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो लोकतंत्र के है। 67 सालों में अधिकांश समय कांग्रेस को अवसर मिला राज करने का, 55 वर्ष, और जो मैंने कहा है वो स्थापित सत्य है कि 81 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जिस घटना का उल्लेख किया मैंने हरियाणा का, वो तो खैर है ही, वो बहुत वर्षों पुरानी है, लेकिन ऐसे घटनाक्रम अनेक प्रदेशों में हुए थे। महाराष्ट्र की जो घटना है उसमें एनसीपी का कोई अंदरूनी मसला है, लेकिन एनसीपी के विधायक दल के जो नेता थे अजीत पवार, उन्होंने बीजेपी को समर्थन की बात कही, उनके साथ लोग भी थे, बाद में किसी वजह से उस घटनाक्रम में बदलाव आया, सुप्रीम कोर्ट में गया। संवैधानिक तौर पर कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है और कुछ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को करना है, तो जो भी स्थिति होगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी का महाराष्ट्र में विचलित होना ये आश्चर्यजनक है। 28 और 29 को अचानक दो दिन का सत्र रखा है, बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस को घेरने की तैयारी करेगी? आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक विधायक भी है, तो सदन में किस तरीके से रूपरेखा? देखिए, दो दिन के सत्र में मुझे लगता है कि बहुत कुछ कामकाजी किस्म के कुछ बिल्स वगैरह के लिए अभी उसकी अपडेट आएगी, क्योंकि ये सत्र भी इन्होंने अचानक बुलाया है। अब इसका बिजनेस क्या है वो अभी डिसाइड होना है, लेकिन इन दो दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि जो खासतौर पर जिसका वायदा सरकार ने किया, तीन मुद्दे खासतौर पे हैं। एक तो किसानों की कर्जा माफी, और किसानों को फसल बीमा से अभी भी उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। दूसरा लाठीचार्ज होता है, दूसरी तरफ सरकार बेरोजगारी भत्ते की बात करती है। तीसरा, इस प्रदेश में मेरे देखने में, मैं भी पिछले 30-35 वर्षों से राजनीति में हूँ, सरकारें खूब आई हैं खूब गई हैं, लेकिन आप लोग भी चौथे स्तंभ हैं। राजस्थान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, 1,42,000 मुकदमे 11 महीनों में दर्ज हुए, जो रिकॉर्ड है अपने आप में, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि राजस्थान इस समय हिंदुस्तान के सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया है। तो कानून व्यवस्था हमारा एक मुद्दा रहेगा, और जो तात्कालिक मुद्दे उन पर भी चर्चा होगी। सर, सीकर में आज एक शादी समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत साहब ने ये कहा है कि युवा सबसे पहले एक काम करें कि बीजेपी की सोशल मीडिया आईटी सेल है, सोशल मीडिया इससे बच के रहे, क्योंकि यही एक तरीके से युवाओं को दिख भ्रमित कर रहा है और उनका माइंड वॉश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि खुद गहलोत जी दिख भ्रमित हैं, और मैंने एक बात कही थी, दो बातें उनकी पिछले दिनों के आचरण से मैं समझ पा रहा हूँ। एक तो मुझे लगता है कि उनकी आखिरी पारी है, और शायद इस तरीके किसी बड़े नेता के मन में ये रहे कि मैं नहीं रहूं तो मेरे पीछे कभी कोई नहीं रहे। वो भी शायद मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी की तर्ज पे ही चल रहे हैं कि उनके बाद सत्ता के वापसी में बड़ा जोर आया। तो उनकी जो बयानबाजी है वो मुझे ये लगता है कि केवल सोनिया गांधी को खुश करने तक है कि संघ पे हमला करेंगे, मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, तो शायद सोनिया जी खुश होंगी और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहेगी। ये जो युवाओं की बात करी, उनको तकलीफ इस बात की है कि हिंदुस्तान में एक तरफा राज था, एक तरफा विचार था, और इस देश में 90 के बाद जो एक वैचारिक बदलाव आया, जिसमें हिंदुस्तान के नौजवानों ने अपनी पसंद से राष्ट्रवाद के विचार को पसंद किया, और 14 और 19 इसके उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी जी को इतना व्यापक समर्थन नौजवानों का मिला, और वो जो वैचारिक आधार नौजवानों को खिसका, उसका दर्द गहलोत जी को है, वो अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। सर, आपने मसला उठाए हैं बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जबकि दूसरी तरफ JNU में जो सस्ती शिक्षा मांग रहे हैं वहाँ पर भी लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, JNU में और बहुत अरसे तक JNU शिक्षा का केंद्र तो था, नाम तो था, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। वहाँ जिस तरीके से वामपंथ ने उसको एक अड्डा बनाया और बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स का और गैर मर्यादित आचरण का वो अड्डा बना, वो संस्था बदनाम हुई, जहाँ पर विवेकानंद जी के बारे में अपशब्द लिखे जाते हों, और जिस जगह भारत के खिलाफ नारे लगते हों, इस तरीके की लोगों ने मौज करी 10 रुपए में। और मुझे लगता है कि बाड़मेर में भी किसी शैक्षणिक संस्था में, हॉस्टल में 10 रुपए में तो कोई गुजारा नहीं कर सकता।
वहाँ की फीस यदि नॉमिनल तरीके से बढ़ाई जाती है तो ये वामपंथियों का प्रायोजित आंदोलन है जो सरकार को बदनाम करने के लिए है। यदि प्राइस इंडेक्स देखेंगे तो उसके मुकाबले जेएनयू से कम आज भी राजस्थान के विश्वविद्यालयों की और तमाम जो प्रदेश के देश के अनेक विश्वविद्यालय उनकी फीस आज भी कम है। सर, बाड़मेर में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बोर्ड नहीं बना पाई और इसकी एकमात्र वजह ये बताई जा रही है कि आपके सामने एकमात्र विधायक देवाराम जो खुद एंटी बना चुके हैं उनका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, तो क्या इसको गंभीरता से पार्टी ले रही है कि लगातार तीन बार बोर्ड हाथ से खिसक गया और भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला? अच्छा प्रश्न आपका, और ये बात सही है कि इस मैंडेट से ये जो जनादेश था न तो ये सरकार के पक्ष में था न बीजेपी के खिलाफ था, न कांग्रेस जीती न बीजेपी हारी, लेकिन ये बात सही है कि शहरों में बीजेपी का एक अपना वजूद होता है और इस बार जो पैटर्न पे चुनाव है उसका नुकसान हमें हुआ, लेकिन ये बात सही है कि इसकी निश्चित रूप से हम समीक्षा करेंगे कि हमारा जो शहरी आधार है वो उसमें कमी कैसे आई और उसको हम पुष्ट कैसे करें, तो इसकी इस चुनाव के बाद में निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे और जहाँ कमजोरी ज्यादा दिखती है उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई एक्शन प्लान हम लोग तय करेंगे। सर, मेरा अंतिम सवाल, कैलाश चौधरी आपके केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं यहाँ से, और साथ में आपके गठबंधन के एक नेता हनुमान बेनीवाल, उनकी काफिले पर हमला होता है, मामला संसद तक जा चुका है, बावजूद इसके जो डिमांड हनुमान बेनीवाल कैलाश चौधरी कर रहे हैं वो बात सामने नहीं आ रही, क्या विधानसभा अभी जो सत्र होगा उसमें भी ये मामला उठाया जाएगा? देखिए, ये एक सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की वानगी है कि केंद्र के मोदी सरकार के एक मंत्री पर और एक सांसद पर, गठबंधन के सांसद पर हमला होता है और राजस्थान की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। ये तो दिगर बात है कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेके आए हैं और इसमें केंद्र की सरकार जो भी इंटरवीन करके जो कार्रवाई करेगी वो तो निश्चित रूप से करेगी, लेकिन सरकार का इस मामले में राजनीतिक द्वेष साफ तौर पर दिखता है कि व्यक्ति कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जनप्रतिनिधि की सुरक्षा की गारंटी सरकार को देनी चाहिए, उसके मामले में कोई ना कोई सकारात्मक काम करना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा है, बाड़मेर में तो बाड़मेर बीजेपी कमजोर बताई जा रही है, इसकी प्रमुख वजह ये बताई जा रही है यहाँ पर सत्ता संगठन और नेताओं में आपसी कोई तालमेल नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अब ये कहूँ कि बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हैं तो ये तो देशव्यापी समस्या है, क्योंकि राजनीति ये भजन मंडली तो है नहीं, यहाँ आपस में मतभेद भी हैं, लेकिन मैंने कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग अपने संगठन को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त करें, कुछ ऐसे मनभेद तो नहीं है लेकिन मतभेदों को हम लोग दूर करें, तो ये एक अच्छी सलाह, नेक सलाह आपकी, और आपकी सलाह से भी कुछ जनता और कार्यकर्ताओं की मदद से एक अच्छा संगठन तैयार हो, इसकी कोशिश करेंगे।